बार मैं कुछ सीख के जाता हूँ और वो जो सीख है उसको डिकोड करना पड़ता है, 6-8 महीने लग जाते हैं जो गुरु लोग कहते हैं। आज बहुत स्पेशल है क्योंकि आज पंडित अजय चक्रवर्ती जी, जिनको मैं तो अंकल बोलता हूँ, बचपन से उन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही, ऐसी ऐसी शिक्षा एक्सपीरियंस कही, तो हम जो स्टूडेंट्स हैं बहुत उपकार हो जाता है। कभी कभी आप सोचने का दिशा आपको एक मिल जाता है कि इस दिशा में सोचो, क्योंकि इतना कुछ अनफिल्टर्ड बातें और अनफिल्टर्ड ज्ञान की बातें उन्होंने कही। और स्पेशली ये जगह जो है वृंदावन गुरुकुल, ये मंदिर जैसा है क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान गुरु जी जो पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी है, आंटी है और उनके परिवार, स्टूडेंट सब बैठे रहते हैं। तो ये दिस इज नो लेस देन अ गुरुकुल फॉर नॉट ओनली फ्लूटिस्ट्स और वोकलिस्ट, फॉर एवरीवन, फॉर तबला प्लेयर। मैं जब भी आता हूँ मुझे मंदिर वाली फीलिंग आती है और कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। आज तो बहुत कुछ सीखा और सब इतने गुणी लोग आए, उन सबको देखा, तो आई लव दिस। एंड इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग और अनुभव है तो मैं तो मुझे आना ही है, यू कांट मिस इट। दादा आप अभी सबसे यंगेस्ट हैं इसलिए पूछ सकता हूँ, सुर का रियाज कैसे किया जाता है? क्योंकि ये हर स्टूडेंट का सवाल होता है, मेरा भी है। अभी पूछते हैं जब कि सुर कैसे लगा जाए, तो कभी कभी ऊपर नीचे इशारा करते रहो, मतलब नोट्स को पार्किंग करवाना पड़ता है, तो इसका जवाब क्या है? मतलब जैसे आपने कहा कि कुछ घंटे वो बेसुरा प्रैक्टिस करना चाहिए फिर मालूम पड़ेगा सुर पे। ये टेक्निक है, कभी कभी समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, सुरपेटी है मेरे पास, सब है, ऐप है, सब कुछ है, पर उसका रियाज होता है कि नहीं? मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। देखिए, केवल स्टूडेंट के नहीं, बड़े बड़े लोगों को जो सा लगता है ना, वो कभी कभी, वही तो मैं बोला कि पहले सा जो हरिजी ने लगाया, पहला सा लंबा, और इतना सांस भी मैं किसी को नहीं सुना, सांस इतना लंबा। आप भी बहुत अच्छा इतना सुर में बजाते हो, नहीं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि हमें तो आप लोग हमारे सबसे बड़े दोस्त हो और सबसे कीमती गिफ्ट ऑफ दिस कंट्री हो। एक पहला गिफ्ट मिलने के बाद तंबूरे के साथ रियाज चाहिए, नॉट इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा निकला ना, मिला हुआ, तो मिलाने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता, मिला हुआ होता है, उसको पहले वो बहुत अच्छा ड्रेन देख के फेंकना चाहिए। जो मिला हुआ उसमें मिलावट है, जो खुद को मिला के जो रियाज है वो करना चाहिए। जो सबसे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी जरूरत है, जो सबके लिए, मुझे, मेरे लिए भी कुछ भी। आप शायद नहीं देखा होगा, तब हरजी के साथ दो तंबूरा बड़ा बड़ा ग्याओं ग्याओं करके बजता था, कोई तंबूरा कम नहीं हुआ। आजकल पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर, थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो जाता है, बंद कर देते हैं। दो तंबूरा, एक तरफ मैं, कभी कभी संदीप, कभी बादल, दो इतना बड़ा बड़ा, और मिराज का तंबूरा, और इतना जोर बजता था जो कि वोकल म्यूजिक के साथ भी नहीं बजता था, इतना जोर दो तंबूरा उनके साथ बजता था। और तंबूरा अगर ठीक नहीं होता तो बहुत गुस्से हो जाते थे कि तंबूरा क्यों नहीं है, क्या करो बदल, तुम्हें क्यों कर छो तंबूरा आनो ने कहना, या ठीक से जवारी करके नहीं लाए। ये हमने देखा, आज के ज़माने में सबसे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक तंबूर को फेंक देना। कोई फेंक नहीं सकता क्योंकि इजीली है, स्विच दो बस सुर हो गया। स्विच देने से सुर नहीं होता है, सुर को बुलाना पड़ता है तभी सुर होता है, दिस इज माई एक्सपीरियंस। सुर को बुलाना पड़ता है, सुर को पूजा करना पड़ता है। तो क्या कैसे नू,
कॉन्शियसनेस, डर गया। जब तक डर चला जाएगा तो फिर क्या होगा? डर ही तो एकमात्र चीज है जो हमें सुधार सकता है। आपके सामने मैं क्या बात करूं, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो डर था इन जनरेशन में। मैं भी बहुत डरता हूं, और तंबूरा सबसे ज्यादा तंबूरा अगर कोई मिला है तो कानन साहब, और उसके बाद सबसे ज्यादा तंबूरा मिला है तो अजय चक्रवर्ती। कहीं कोई गाना गाने के लिए आ रहे तो मैं जाके तंबूरा मिलाता था। कानन साहब, भीमसेन जी जो आते थे कलकत्ता में, मेरे घर से या संगीत तीसरा चक्रवर्ती से तंबूरा जाता था और मैं जाता था मिलाने के लिए। आजकल एक बात देखिए, जैसे अनिंदो तबला बजाते हैं, ये यशोमन तबला बजाते हैं, कोई क्या उनको तबला मिलाने के लिए कोई पास में आते हैं क्या? या तबला मिला हुआ होता है, मिलाना पड़ता है ना? अगर सही नहीं मिला सकते, बजाते बजाते बेसुर हो गया, तब भी मिलाना पड़ता है। तो वो सुर ज्ञान अगर आपको नहीं है तो तबला लेकर बैठ ही नहीं सकते। मगर कलाकार के लिए दो स्विच मारने से सुर आ जाता है, नहीं हो सकता है। तो जिनको भगवान का कृपा है उनको और भी डर से अगर एकाउस्टिक तंबूरा लेके करे। मैं परसों ही सदगुरु जी के आश्रम में था लुधियाना में, वहाँ ऑल इंडिया एक कॉम्पिटिशन हुआ, यंग म्यूजिशंस एक 16 से 24 तक, 25 तक, एक 12 से 16 तक, दो ग्रुप। कोई तंबूरा ही नहीं छू रहा है, और जो तंबूरा छू रहा है गलत जगह बजा रहे। मैं जो तंबूरा बाद में लेके आए सबका तंबूरा मैं मिला के दिया, क्योंकि मैं वो जज था सबका। वो वीडियो है, वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, आप देखना। तंबूरा मैं मिला के दिया, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि बेसुरा तंबूरा, वो भी उल्टा सीधा जगह। कहाँ तंबूरा बजाना चाहिए, कहाँ बजाने से सबसे ज़्यादा रेजोनेंस करेक्ट आता है, ये भी किसी को शिक्षा नहीं है। ये गलती किसका है? गलती मेरा है, क्योंकि हम सिखाते नहीं हैं, तो इसीलिए है। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा मिल रहा है। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब मुझे मैं दे सका? तो ये अगर हो, क्योंकि आप तो इतना सुर में बजाते हो भगवान की कृपा से, और अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो कभी बच सकता है आपके अंदर में वो चीज़। डर है ना कि मेरा इज्जत का सवाल है, मेरे गुरु का इज्जत का सवाल है, मेरा सब्जेक्ट का सवाल है, तो मैं तो गलत नहीं बजा सकता हूँ। वो चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को सम्मान, मेरे बाबा का सम्मान, मेरे माँ का सम्मान, मेरे गुरु का सम्मान, सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। मैं जब स्टेज में बैठा एक बात ऐसा बोल दिया जिसको मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, तो फिर बात करते तो लोग जाके बाहर जाके हंस देगा ना, बल्कि बात बहुत करता है, इसको तो नहीं चलता है ना। तो इसीलिए सुर के लिए डर चाहिए और एकाउस्टिक तंबूरा चाहिए, तब बिल्कुल। क्योंकि आजकल के जो यंग म्यूजिशियन है, नॉर्मली जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है हम लोगों से ज़्यादा है, मगर उनके लिए वो डर कम है। क्योंकि डर होने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, मिले या ना मिले। अब तो वो नहीं है, अब कोई गए अगर नहीं नहीं दर्शन हुआ, वो घर में नहीं थे, हम चले आए। अरे चले क्या, तुम बैठे रहो, दूसरे के पास जाएंगे। टाइम कम है। और जैसे आपने कहा कि राग को बचा के रखना है, तो अभी हम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि आप नए ब्लड हो, नई जनरेशन है। हमने तो बहुत बाबू जी को सुन लिया, भाग्यश्री सुन लिया, ये आप लोग क्या दोगे? वही राग है, वही सेम है। और नई जनरेशन जो आएगी वो उतना पेशेंस है कि नहीं, तो उनके लिए कुछ तो सर्विंग करने के लिए हम लोग के पास रहना चाहिए। तो राग को रख के उसमें, और क्या, कभी कभी हम लोग आरपे जो ये सब बजा देते हैं तो यंगस्टर्स लोग को अच्छा लगता है, पुराने लोग को नहीं, नहीं, द क्लासिकल इज़ इन द रॉन्ग हैंड। नहीं, बात यह है कि हमारा देश इतना उच्च कोटि के देश है कि हमारे देश में हर एक प्रकार का संगीत है, हर एक प्रकार से। जो राग संगीत गाने वाले हैं, कभी कभी वो समझते हैं कि मैं क्लासिकल गाता हूँ इसीलिए मुझे सब आता है,
ये बात सही नहीं है। क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ लता जी का संपर्क नहीं बना, इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ संगीत का। सबसे बड़ा नुकसान उसी में हुआ कि हमने बड़े कलाकार को सुना बोलते हुए, लता बहुत अच्छा गाती है, हाँ फिल्म का गाना गाता है, ये मैं सुना खुद कान से। और गुलाम अली खान साहब रियाज बंद करके उनका आवाज़ सुनते थे, बोले अगर ऐसा आवाज़ अल्लाह ने मुझे देता तो मैं भगवान को खींच के लाता था, ये गुलाम अली खान साहब बोलते थे। तो क्योंकि हमारे पास हर एक सारे संगीत है, तो ये बागेश्वर का है, रे रे नर न, ये भी संगीत है, हे रे न, ये भी संगीत है, अच्छा भी है। तो क्योंकि हमारे पास दोनों टाइप का है, तो हम जब इसको बजाए तो इसको बजाएंगे, जब उसको गाएंगे तो उसको गाएंगे, क्योंकि चाइनीज के साथ बिरयानी मिलता नहीं है। दिस इज माई थिंकिंग कि मुझे 10 मिनट बजाना है तो राग जैसे राग है उसको बजाना है, धुन जैसे धुन है तो धुन। बहुत सारे कलाकार राग संगीत के नाम पे धुन बजाया है, गाया है, मैं नाम लेने का ज़रूरत नहीं, आपको रिकॉर्डिंग सब मौजूद है, आप सुन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नामी नामी कलाकार। तो मदरे रे रे ने, ये तो बागेश्वर का ट्रेडिशनल रूप नहीं है, मदने सारे ने, ये तो सकता है, मदने सानी सानी, इसका जरूरत नहीं, मदने गाने ने सारे ने, ये तो राग का ही है, मारा सारी मारे पागा, ये बागेश्वर में गाने से हमें बर्दाश्त नहीं है, इतने ही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि बागेश्वर नाम पे अगर बोले कि बागेश्वर राग नहीं बता के अगर हम म्यूजिक गए तो उसमें तो कमाल का म्यूजिक है, क्योंकि हमारे देश में तो ये है, जो राग संगीत नहीं है मगर बहुत बहुत अच्छा संगीत है। तो मेरे ख्याल से अगर राग नाम के बोल के आप करें तो राग का प्योरिटी मेंटेन होने से हमारा ट्रेडिशन बहुत दूर जाएगा। अगर उस पर एमलगमेशन कर देंगे तो फिर हमारा ट्रेडिशन को नहीं पता चलेगा, ये मेरा विचार है। मैं इसको क्योंकि मैं मुझे लाइट गाने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बंगला गाना, भजन गाना, ठुमरी गाना, हर एक राग में ठुमरी हो सकता है, यमन में ठुमरी हो सकता है, दरबारी में ठुमरी हो सकता है, जय जयंती में ठुमरी हो सकता है। हम धुन के नाम पे कुछ भी, जय जयंती में धुन आप सुनिए, जय जयंती का असली रूप ऐसा है, मैं धुन बजा रहा हूँ, धुन ऐसा है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है। दिस इज माई कॉन्सेप्शन, इस पर सबके साथ मेरा एक होगा आइडिया ऐसा नहीं है, क्योंकि संगीत तो अल्टीमेटली यू आर संगीत, आप संगीत हो तब तक बजा रहे हो। तो अगर हमारा परदादा का क्या यूनिकनेस था, वो यूनिकनेस अगर हम मेंटेन करके फिर अपना कुछ, जैसे राग में ग म द, यह है धा 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 धा, राग को प्योरिटी रखते हुए भी आप लाखों चीज कर सकते हैं, उस पर रिसर्च होने चाहिए, मेरा कहने का मकसद वो है, उस पर अगर रिसर्च हो तो हम लोगों को एक ट्रेडिशन को बचाने का भी एक जिम्मेदारी है।